हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे पंचिंग टूल डिज़ाइन के बारे में कि किस तरीके से पंचिंग टूल डिज़ाइन होता है। बेसिकली एक हमारे पास पार्ट है जिसका टनेज लगभग 11 या 12 टन के आसपास आ रहा है, तो हमारे क्लाइंट के पास जो प्रेस है वो 40 टन की है, तो इसीलिए हमने जो डिज़ाइन किया है उसमें एक साथ दो पार्ट लिए हैं कि एक साथ दो पार्ट हम ऑपरेशन करेंगे। इससे यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर होगा मशीन का, टनेज का, और जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि हमने पार्ट को कॉपी कर लिया है, अभी हम डाई का डिज़ाइन कर रहे हैं। इस जो पार्ट है इसमें ब्लैंक के मतलब पहले ऑपरेशन से ब्लैंक में ही दो होल होके आ रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में या फोटो में सामने इमेज में देख पा रहे हैं कि हमने दो पिन लगाई हैं, या जो ये दो पिन लगी हैं यहाँ पे हम पार्ट लोकेट करेंगे और बाकी जो थ्रू होल दिख रहे हैं वो हमें इसमें प्रोसेस करने हैं, यानी ये चार पंच हमें करने हैं। तो हमने क्या क्या किया कि सिंपल दो होल लिए, मतलब गाइड किया और उसकी बेंडिंग कर ली, मतलब बेंड भी होके आएगा पार्ट दो होल के साथ। अभी हम जो बाकी के चार होल हैं वो हमें यहाँ पे करने हैं। तो अभी हमने इसका डाई का डिज़ाइन मतलब जैसा फॉर्म है उस हिसाब से कर लिया है। हमने इसमें बूस्ट डाले हैं, मतलब बूस्ट डाले हैं, डाई बटन का यूज़ किया है, और जो मटेरियल है बेस का वो EN31 का यूज़ किया है, और जो बूस्ट हैं वो सारे D2 के हमने बनाए हैं। तो जो हमने क्लीयरेंस है अभी जो रखा है, क्योंकि थिकनेस 1.6 की है तो हमने 8% थिकनेस रखा है, मतलब क्लीयरेंस रखा है, वो क्लीयरेंस हमने बूस्ट में दे दिया है। तो जैसा कि आप अभी देख भी पा रहे हैं कि हमने ये बूस्ट डाले हैं जो इमेज में हमें मतलब रेड कलर के दिख रहे हैं। अभी आप साइड सेक्शन भी देख पा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि जब भी पंचिंग डाई का डिज़ाइन करते हैं हम लोग, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम फॉर्मिंग के बाद करें, ताकि क्या है कि जो खिंचाव है यानी डिस्टॉर्शन है, यानी जब बेंडिंग चलती है तो क्या है रेडियस इंक्रीज हो जाते हैं, तो पार्ट का प्रोफाइल चेंज हो जाता है, तो जो हमारा फिट एंड फंक्शन है वो हमारा पूरा रहे, यानी जो पंचिंग है वो होल डिस्टर्ब ना हो। तो जब भी हम डिज़ाइन करें कोई भी पार्ट, इस पार्ट में हम पहले भी पंचिंग कर सकते थे लेकिन हमने बाद में इसलिए लिया कि हमें फंक्शनली है कि वो बाद में खींचे ना, तो बाद में जब पार्ट प्रॉपर बन जाएगा ऊपर से पंच हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें किस तरह से सीक्वेंसिंग डिसाइड करनी है। जैसे कि अगर आप और देखेंगे कि इसमें जो हमने गेजिंग दी है, हमने साइड से गेज किया है, तो इसमें गेजिंग भी आसान हो जाती है। तो साइड से हमने मतलब डावल का गेज किया है, ये साइड सेक्शन भी आप देख रहे हैं कि हमने ऊपर, जैसे सपोज करो कि ये 8 के होल हैं तो हमने ऊपर 10 का पंच लिया होगा, फिर उसका हेड हम बना लेंगे। तो इस तरह का डिज़ाइन में मतलब स्टैंडर्ड रखना चाहिए कि ताकि इजीली मिल जाए, जैसे डायरेक्ट 8 का पंच नहीं डालना चाहिए, कभी भविष्य में हमें कम ज़्यादा करना पड़ रहा है होल का डाया तो कर सकें। तो इसलिए हमने जो ऊपर से जो पंच लिए हैं वो 10 के लिए, आगे हम उसका मतलब कम रखा है, उतने का हम उसको मतलब टर्न करके सरफेस पे उसको हम डाया का साइज़ बना सकते हैं जितना हमारा रिक्वायरमेंट है, जैसे 7.2 है या 8.2 है तो वो बना सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए डिज़ाइनर को कि वो स्टैंडर्ड रखे, ताकि क्या है कि जब हमें जैसे 10 का हमें पंच ले लिया तो वो सभी में कवर हो जाएगा, मतलब 6 से लेके 8 या 9 तक 10 का पंच कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये जो है प्रोसेस में मतलब 8 पंच ले लिए हैं। इसी तरह से फिर हमने स्टीपर का डिज़ाइन किया है, सेम मतलब वो प्रोफाइल से आ जाएगा। स्टीपर जो हमने जो रखा है वो भी EN31 का रखा है, इसको हम हार्ड भी नहीं कराएंगे, मतलब ये सॉफ्ट में ही चल जाएगा। तो स्टीपर का अगर आप देखेंगे कि स्टीपर भी हमने डिज़ाइन कर लिया है, फिर हमने इसके बीच में अब क्वेश्चन आता है कि PU डालें या स्प्रिंग डालें। हमने डिज़ाइन में इसमें स्प्रिंग डाले हैं, लेकिन हम एक्चुअल में PU भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है PU डालने में। और मैं ये भी समझता हूँ कि जब ये मैन्युफैक्चरिंग में आएगा टूल, तो जो टूल रूम के बंदे हैं वो इसमें PU ही डालेंगे। तो PU डालने से बेसिकली PU क्यों डालते हैं, क्योंकि चाल की हमें कम जरूरत है। अगर आप समझेंगे कि सिर्फ हमें
मतलब 1.6 का है, 1 mm और जोड़ लो तो 2.5 mm की चाल चाहिए। तो 2.5 mm की चाल हमें PU से बड़े आराम से मिल जाती है, तो स्प्रिंग की इतनी खास जरूरत नहीं है, PU भी यहाँ पे काम कर जाएगा। तो एनीवे हमने डिज़ाइन में तो स्प्रिंग दिखाया लेकिन PU भी काम कर जाएगा। और जो मेरा एक मतलब सजेशन भी है, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि गाइड पिन नहीं डालते हैं, तो गाइड पिन डालना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी डिज़ाइन में, या मैं कहता हूँ ब्लैंक और पंचिंग में गाइड पिन डालना ही चाहिए। जैसे इसमें हमने 16 की गाइड पिन डाली है, मेरे कुछ मतलब सीनियर भी हैं या मेरे क्लाइंट भी हैं या मेरे दोस्त भी हैं जो टूल रूम में काम करते हैं, वो पिलर सेट पर चला देते हैं, गाइड पिन नहीं डालते। लेकिन मैं ये कहूँगा कि गाइड पिन भी डालो और पिलर सेट भी दो, ताकि क्या है कि टूल की लाइफ बढ़ जाती है दो गाइड पिन से। अभी हमने इसमें 2 16 की गाइड पिन डाली है। तो इस तरह से बेसिक सा मतलब ये हमारा डिज़ाइन आगे की तरफ बढ़ रहा है। और गाइड की पिन के लिए भी हमने जो अपना डाई है उसमें हार्ड बूस्ट डाले हैं D2K। तो ये हमारा डिज़ाइन आगे की तरफ बढ़ रहा है। और मैं बीच में आपको बोलना चाहूँगा कि अगर इस तरह की आप अगर वीडियो ये आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आप जो हमसे जानना चाहते हैं बेसिकली इंजीनियरिंग अड्डा से, जो भी आप जानना चाहते हैं आप हमें सवाल पूछिए और हम आपको बताएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि अभी हमने इसमें स्प्रिंग डाले हुए हैं और हम गाइड मतलब PU भी डाल सकते हैं। तो बात यह है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये डिज़ाइन धीरे 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 मतलब असेंबल हो रहा है, ये लग गया, इसके ऊपर हमने पंच होल्डर प्लेट लगा दी, फिर पंच बैक प्लेट भी लगा दी। ये ऑप्शनल है, हम MS में भी लगा सकते हैं, 31 में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर MS में ही यूज़ करते हैं। तो ये प्लेट लगाने के पश्चात अब टॉप बॉटम हमने लगा दिए। टॉप बॉटम इसमें हमने बेसिकली कस्टमर की रिक्वायरमेंट 50 की थी तो 50 mm के लगाए, लेकिन 40 mm के भी बिल्कुल पर्याप्त हैं, कोई इशू नहीं आएगा। और 2 हमने पिलर सेट लगा दिए 32 के, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टूल नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये टूल तैयार हो गया। तो अगर एक बार और मैं आपको रिपीट करता हूँ, अगर ये वीडियोस अगर आपको हमारी अच्छी लग रही है डिज़ाइन से रिलेटेड, तो आपकी जो भी क्वेरी है टूल मतलब टूल रूम से रिगार्डिंग कुछ भी फिक्चर डिज़ाइन टूल डिज़ाइन, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम कोशिश करें कि आपको सेटिस्फाई कर सकें और जो आपकी क्वेरीज हैं उन्हें क्लोज करने की कोशिश कर सकें। तो इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है टूल का वो कंप्लीट हो गया है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद और हमें सपोर्ट करने के लिए।